नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में नाबालिग लड़की का अपने ही घर में शव लटका मिला। परिजनों ने दूसरे समुदाय पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बच्ची की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों के अनुसार नाबालिग लड़की को गांव के ही छोटू कठेरिया नाम का लड़का काफी समय से परेशान कर रहा था। विरोध करने पर लड़के के पक्ष के लोगों ने नाबालिग लड़की समेत परिजनों से जमकर मारपीट की थी। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर दबंगों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। सिंगरौली जिले की सरई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 लाख से ज्यादा कीमत के साथ 42 किलोग्राम गांजा जब्त कर दो महिला तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं टीआई संतोष तिवारी ने बताया कि गांजे को जब्त कर महिला तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के संभावली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोप है कि 22 मार्च को एक नाबालिग छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। आरोप है कि जिसके बाद छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी अपहरण के बाद छात्रा की हत्या कर शव को नोएडा के सेक्टर 33 में फेंक कर फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले में गैंगरेप और हत्या की तहरीर देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय की गुहार लगाई है। बलिया में दिन दहाड़े बदमाशों ने बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया है। बता दें, यह हमला पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर किया गया। घटना को लेकर बीजेपी नेता का आरोप है कि पिस्टल और कट्टे के बट से उनका सर फोड़ा गया। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमलावर 3 की संख्या में थे और लगभग 10 राउंड फायरिंग की गई। वृंदावन में स्थित उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चल रहा है, जिसमें रोजाना तरह तरह से भगवान रंगनाथ जी का उत्सव मनाया जाता है। इस ब्रह्मोत्सव में के बारे में कहा जाता है कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने कांचीपुरम में यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान अर्चा रूप में प्रकट हुए। बदायूं में मूसा झाक थाना क्षेत्र के तिगुलापुर में जहरीली शराब पीने से एक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी तक चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पद के प्रत्याशी गांव में शराब बांट रहे हैं। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के गंगापुर गाँव के पास की ये पूरी घटना है। यूपी के पीलीभीत जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम पुलकित खरे ने ब्लॉकों में नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर मरौरी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। पीलीभीत में सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। बता दें, ठगी करने वाला आरोपी व्यापारी का ही मित्र था। दरअसल व्यापारी से बीते साल कोरोना काल में करीब 20,75,000 रुपए की रकम ली गई थी। पीड़ित व्यापारी ने रकम वापसी को लेकर तगादा किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिया है। संबल के बबराला गांव मार्ग पर ट्रैक्टर और इको कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में इको चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें, हादसा इतना भयंकर था कि इको कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चालक इसमें फंसकर बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल चालक को कार से बाहर निकाला और निजी वाहन से उपचार के लिए भिजवाया। इस दौरान उपचार को जाते समय चालक ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की खटारा बसों में जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को यात्री मजबूर हैं। दम तोड़ती रोडवेज की खटारा बसों में यात्रा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं फरुखाबाद, कानपुर, बरेली और हरदोई मार्ग पर खटारा बसों से यात्री परेशान हैं। फरुखाबाद बस अड्डे पर बरेली डिपो की बस को धक्का लगाकर स्टार्ट कराते यात्री कैमरे में कैद हुए हैं। प्रतापगढ़ में अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। 250 पेटी अवैध शराब, 2 ड्रम, केमिकल रैपर, शीशी पुलिस ने बरामद की है। बता दें, ये फैक्ट्री शराब माफिया गुड्डू सिंह के गुर्गे राहुल यादव की बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 4 शराब के तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिला। बीती देर रात से दोनों प्रेमी युगल घर से गायब हुए थे। शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बिलसंडा इलाके के लिलहर गांव का ये पूरा मामला है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव सोखना में किसान की 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अज्ञात कारणों से लगी आग से फसल जलकर राख हुई है। बता दें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव सोखना की यह घटना है। हाथरस थाना मुरसान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को 15 पेटी शराब के साथ पकड़ा है। साथ ही शिफ्ट डिजायर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना मुरसान में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
हापुड़ में सिटी कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एक निजी चैनल का पत्रकार बनकर नकली नोटों की सप्लाई करने वाले दो छात्र सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आरोपियों से 100, 500, 2,000, 200 के 7,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के पर्यवेक्षण में थाना नई मंडी पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत में खून खराबे के लिए घने जंगल के बीच फैक्ट्री लगाकर अवैध रूप से तमंचों का निर्माण कर रहे आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से एक बड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों की फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचों के अलावा इन्हें बनाने के उपकरण और निर्माण में काम आने वाले सामान भारी मात्रा में बरामद किया है। यूपी की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।